भी हमें मिल गए हैं रास्ते में, वो 12 से 3 दिन का सफर कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से लगातार पैदल यात्रा पे निकल पड़े हैं और अपने बाबा धाम देवघर जाने के लिए निकल पड़े हैं। ये अभी घुमरी के लिए हम महाराणा प्रताप चौक के पास मिले हैं, आइए जानते हैं और बात करते हैं कब से यात्रा शुरू की है। प्रभु जी, मेरा नाम ऋतिक है, मेरा यात्रा शुरू करी को 6 महीने हो गए, इस 10 तारीख को 6.5 महीने हो जाएंगे। और तब हमने राजस्थान से ही शुरू किया था, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, अब निकल के आपके यहाँ पर आ गए हैं झारखंड में। कहाँ कहाँ जाना है आपका प्लान कहाँ है अभी? 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जाना है, जैसे MP में है, इसके बाद जो MP जाएंगे गुजरात, नासिक, उसके बाद तमिलनाडु गए और रामेश्वरम के केरल, बस वहाँ तक सफर है, 13-14 हज़ार किलोमीटर का सफर है। पैदल ही यात्रा? जी जी, पैदल बिल्कुल। रात में रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं? रात में ज़्यादातर चलते हैं, अभी जाके सोएंगे, कहीं देखते हैं मंदिर में। मंदिर में? हाँ। खाना पीना कैसा चलता है आपका? खाना पीना मंदिर वगैरह से कर लेते हैं, मंदिर में एक टाइम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, जब मर्जी खा ले, शाम को खा ले तो सुबह नहीं खाएंगे, सुबह खा ले तो शाम को नहीं खाएंगे। कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है जंगल जंगल की, तो इसी चीज के बाद प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आप 6 महीने से, पिछले 6 महीने से लगातार सफर में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम तो देखो कोई भी नहीं फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम ऐसा है अभी घर से निकलना ही मुश्किल होता है, उसके बाद जब निकल जाते हैं ना तो सब कुछ आसान ही हो जाता है, बिल्कुल आसान होता जाता है, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। इंडिया में तो ऐसा है कि अगर आप निकल गए तो फ्री में ही पूरा इंडिया घूम सकते हैं, फ्री में ही। अभी तक कितने पैसे खर्च किए आप? मेरे पास अभी तक 500 रुपये थे, उसमें से 400 रुपये अभी मेरे बटुए में है, 100 रुपये खर्चा हुआ, 100 रुपये खर्चा किया मैंने पूरे 6 महीने, कहाँ से आ रहे हैं, 6 महीने में मात्र 100 रुपये, 100 रुपया ही खर्चा, वो भी मुश्किल से किया है, किसी को धक्के से दे देने इस तरह के। क्या माइंडसेट था जो आप 12 ज्योतिर्लिंग का सफर वो भी पैदल करना? ये पहले से ही सफर था, जो पहले से मतलब माइंड में था 12 ज्योतिर्लिंग करने, तो इसीलिए काफी टाइम से था, एक दिन निकल गए घर पे परमिशन लेकर। हाँ, यात्रा सा पैक करते रहे हैं, हमारे घर से जो है सालासर धाम है जो, वो 650 किलोमीटर पड़ता है, तो हम हर साल जाते थे, लगातार 9 साल हो गए जाते हुए। बाबा बूढ़ा साहब अमृतसर में, वहाँ भी जाते हैं हर साल, जाते हैं 9-10 साल वहाँ हो गए जाते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आपके जैसे भी लोग काफ़ी तो साइकिल से, बाइक से, पैदल भी यात्रा करते हैं, क्या सजेशन देंगे? मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो तो निकल पड़े हैं वो तो अच्छा है, उनका तो क्या ही है, वो तो मज़े ले रहे हैं, पर जो नहीं निकले हैं ना, जो घर पे बैठे प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग से कभी नहीं निकल पाओगे, ये बता, बिना प्लानिंग के ही निकलना पड़ेगा, अपने आप प्लानिंग बनती जाती है, निकल पड़ो बस सब कुछ मिलेगा। अब फैमिली घर बार छोड़ के पिछले 6 महीने से लगातार पैदल यात्रा पे हैं, क्या जोश है, क्या सोच है जो आपको पैदल यात्रा चलने के लिए आसान? भगवान कुछ ना कुछ तो देगा, ऐसा नहीं है मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जो मनोकामनाएं थी पूरी भी हो रही है, पर अगर सच्चे मन से निकलोगे तो सब कुछ मिलेगा भाई। थैंक यू।